सोलन के ऐतिहासिक थोडो मैदान में ग्राहक मेले का समापन शुक्रवार को हो जाएगा। इसमें केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट अफेयर राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। दो दिवसीय इस मेले का शुभारंभ 3 तारीख को हो गया था। 4 तारीख को समापन पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर शिरकत करेंगे। इस मेले का मुख्य उद्देश्य ग्राहकों तक पहुंचना है और बैंकों में ग्राहकों को हो रही असुविधाओं और उनके प्रश्नों का निपटारा करना है। बैंक ऑफ इंडिया के क्षेत्रीय प्रबंधक सुनील चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत में 250 जिलों में इस मेले का आयोजन किया जा रहा है। वहीं हिमाचल में ये कार्यक्रम 5 स्थानों पर आयोजित किया गया। उन्होंने बताया कि सोलन में बेहद तैयारी के साथ ये मेला आयोजित किया जा रहा है ताकि ग्राहकों को कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। उन्होंने बताया कि विभिन्न बैंकों को कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है और ये ग्राहक के ऊपर निर्भर है कि वे किस बैंक से लोन लेना चाहता है और उसी की मर्जी से कुछ ही घंटों में वे उन्हें लोन भी पास कर दिया जाएगा। सोलन में केंद्र द्वारा लोन मेले का आयोजन इसलिए किया जा रहा है ताकि व्यवसायियों को किसी भी तरह की दिक्कतों और परेशानियों का सामना ना करना पड़े। लोन मेले का आयोजन समूचे भारत वर्ष में किया जा रहा है, लेकिन इन लोन मेलों का फायदा पात्र व्यक्तियों तक नहीं पहुंच रहा है। इस बात का खुलासा तब हुआ जब एक उद्योगपति मेले में पहुंचा और अपनी आपबीती बताई और कहा कि पिछले कई महीनों से लोन लेने के लिए अप्लाई किया था, लेकिन उसे लोन देने से मना कर दिया गया, जो बिल्कुल गलत है। उन्होंने रोष जताया कि एक तरफ अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए लोन मेले लगाए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर पात्र व्यक्तियों को लोन नहीं दिया जा रहा है, तो ऐसे लोन मेलों का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। रोष व्यक्त करते हुए व्यवसायी अंजुल अग्रवाल ने कहा कि उन्हें उद्योग के विस्तारीकरण के लिए लोन चाहिए था, जिसके लिए वे 1.5 वर्षों से बैंकों के चक्कर काट रहे हैं। जो दस्तावेज बैंकों ने मांगे थे वह भी उनके द्वारा पूरे किए गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी उसे लोन नहीं दिया गया। वह केंद्रीय राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर के पास भी इसकी शिकायत करने लोन मेले में पहुंचे थे, लेकिन उनकी व्यवस्था के कारण वे उनसे नहीं मिल पाए। इसलिए वे अब देश के प्रधानमंत्री को इसके बारे में शिकायत भेजेंगे ताकि पात्र व्यक्तियों को बैंक का लोन मिल सके और वे देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए अपना सहयोग दे सके। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में सक्रिय टाइफस के 320 के करीब मामले आ चुके हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रकाश चंद द्रोच ने बताया कि सभी स्वास्थ्य केंद्रों को हर बुखार पीड़ित की प्रारंभिक स्तर पर जांच के आदेश पारित कर दिए। क्षेत्रीय अस्पताल में प्रशासन ने भी इसे गंभीरता से लेते हुए अलर्ट जारी कर दिया है। अस्पताल में बुखार से पीड़ित आने वाले हर व्यक्ति की प्राथमिक स्तर पर जाँच के आदेश दिए। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि रोग एक जीवाणु विशेष यरिकेट्सिया से संक्रमित माइट के काटने से फैलता है, जो खेतों झाड़ियों घास में रहने वाले चूहों से पनपता है। उन्होंने बताया कि आज जीवाणु चमड़े के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है, स्क्रब टाइफस बुखार को पैदा करता है। खेतों में झाड़ियों में काम करते समय पूरा शरीर ढक कर जाएं। बुखार कैसा भी हो, नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में संपर्क करें, डॉक्टर को दिखाएं, खुले में शौच ना जाएं, घर के आसपास के वातावरण को साफ रखें, बुखार आने पर डॉक्टर को दिखाएं। स्क्रब टाइफस में डेंगू और टाइफाइड की तरह बुखार आता है और प्लेटलेट्स कम होने की संभावना रहती है। बुखार आना, शरीर पर दाने निकलना, काफी अधिक खांसी आना इसके मुख्य लक्षण हैं।